सभी को नमस्ते। अभी हम हिंदी शेयरिंग को शुरू कर लेते हैं। तो आज हिंदी में तीन शेयरिंग रहेंगी। अभी सबसे पहले हम प्रियंका राय दीदी की शेयरिंग को सुनेंगे और फिर परिवार की शेयरिंग है अखिलेश्वर पांडे भैया और उनकी पत्नी अनुपमा मिश्रा दीदी, दोनों की शेयरिंग प्रियंका दीदी के बाद रहेगी। तो कुमार भैया नमस्ते, क्या हम शेयरिंग को शुरू कर लें भैया? जी शुरू करते हैं। जी दीदी, सभी को नमस्ते। अभी अनुपमा मिश्रा दीदी और अखिलेश्वर भैया की शेयरिंग रहेगी। दोनों पति पत्नी एक ही कॉलेज में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर राजस्थान में। अखिलेश्वर भैया 2018 जुलाई से यूएचवी से जुड़े थे और भैया वर्कशॉप में एफएक्यू में अपनी भागीदारी देते हैं। अनुपमा मिश्रा दीदी सितंबर 2023 में यूएचवी के कंटेंट के साथ जुड़ी हैं और दीदी अभी जो 9th बैच के लिए कॉलिंग का काम चल रहा है नॉर्थ वेस्ट रीजन का, उसमें अपनी भागीदारी दे रही हैं। तो अनुपमा दीदी आप रखेंगी पहले या प्रिया रखेंगी? जी दीदी, पहले मैं अपने अपनी शेयरिंग रखना चाहूंगी। जी दी दीदी, ओवर टू यू दीदी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट के पद पर जुलाई अक्टूबर 2023 से कार्यरत हूँ। यूएचवी से मेरा जुड़ना ऐसे हुआ कि सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड यूएचवी से जुड़े तो स्टार्टिंग में तो मैं इतना प्रभावित नहीं थी, लेकिन ये है कि कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया कि उनमें काफी ड्रेस्टिक चेंज उनके नेचर और बिहेवियर में दिखा, जिससे मैं इस कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर मेरा यूएचवी से कुछ करने का मन बना, लेकिन क्योंकि मैं जॉब में नहीं थी और ऐसी मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं UHV 1 या ऐसा कुछ भी कर पाऊँ, तभी मैंने जीवन विद्या शिविर के बारे में सुना। तो लकली 5 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023 तक हापुड़ में सोम भैया जी का शिविर करने का मौका मिला। यहाँ से मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ, एक नया दुनिया दिखने लगी। फिर मुझे मानवता, अस्तित्ववाद, इन सब चीजों के कंटेंट से मेरा परिचय हुआ, अच्छा लगा। उसे कंटिन्यू करने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन समय व स्थिति ऐसी नहीं बनी कि मैं आगे अध्ययन वगैरह के लिए जा पाती। तभी मुझे किसी से मॉर्निंग सेशन के बारे में पता चला और मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करते थे, तो इन्होंने भी मुझे प्रमोट किया कि नहीं, आप मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करो, ये काफी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद रूल भी ऐसे बदल गए कि मॉर्निंग सेशन के लिए UHV 1 का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने का टाइम मिला। शुरू शुरू में लगा कि कैसे कर पाऊंगी, कुछ टाइम के बाद UHV 1 करने का भी मौका मिला। लेकिन जब 9 अक्टूबर से 2013 अक्टूबर तक मैंने UHV 1 का वर्कशॉप अटेंड किया, शुरू में मुझे लगा था कि मैं मॉर्निंग सेशन में कैसे कर पाऊंगी, एक बड़ा काम लगता था, अभ्यास एक अभ्यास दो। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पता भी नहीं चला कि कब एक एक स्टेप पे काम करते करते मेरे अंदर भी चेंजेस आने लगे, मेरे दिमाग में भी काफी शांति रहने लगी। शांति खुद से तो पता नहीं चलती, जब परिवार के लोग बोलते हैं तभी पता चलती है। तो टेक्निकली मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैं कितने स्टेप को समझी, कितना आगे बढ़ी, बट हाँ ये जरूर कह सकती हूँ कि आज मेरे मतलब मेरी मेरे परिवार के लोगों से, मेरे ससुराल में, मेरे सहकर्मी से किसी को भी लेके मन में विरोध का भाव कम ही आता है। अधिकतर समय मैं खुश रहती हूँ और स्वयं के स्वभाव में रहती हूँ। स्वयं के भाव के स्तर पे विरोध कम रहता है और शारीरिक संवेदनाओं के स्तर पे ज्यादातर समय वीक हो जाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर समय स्वयं में, स्वयं का जो ध्यान है वो बना रहे। लगभग मैं सभी का अकाउंट क्लोज कर चुकी हूँ विरोध का, जो मेरे दिमाग में था। स्वयं का सामना कर पाती हूँ मैं अब। मुझे अपने एक्ट्स को लेके अपने अंदर कोई अदालत नहीं लगानी पड़ती कि मैं सही हूँ ये गलत है।
कह सकती हूँ कि अंतर विरोध के भाव से ज्यादातर समय अब मैं मुक्त रहती हूँ। अब यह समझ में आया है, अगर मैं लोगों को हैंडल करने का जो मैकेनिज्म है उसकी बात करूं, कि शरीर की एक अलग उम्र होती है, समझ की अलग उम्र होती है। तो ऐसा मेरा निष्कर्ष रहा कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 50-60 साल का हो तो उसके अंदर उसकी समझ भी उतनी हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक 50-60 साल के व्यक्ति की समझ 1 से 3 साल के बच्चे की हो। तो फिर स्वयं में ही धीरे से ऐसा लगा कि अब जब जिसकी समझ एक बच्चे जैसी है, ऐसे व्यक्ति का क्या विरोध और उसका उससे क्या झगड़ा। वो तो स्नेह और करुणा के ही पात्र लगते हैं मुझे। अब अगर मैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 की बात करूं, पहले मैं एक्सरसाइज 1 को की बात करती हूँ। स्टेप 1 में मैं हर क्षण नहीं देख पाती हूँ स्वयं को, लेकिन ये कह सकती हूँ कि डे बाय डे जो मेरा स्वयं में ध्यान है वो बढ़ रहा है। अब यदि मैं स्टेप 2 की बात करूं तो मैं ये देख पाती हूँ कि ये जो विचार मेरा चल रहा है ये मेरे लिए सहज है या नहीं है। ज्यादातर समय ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये है कि ध्यान धीरे धीरे बढ़ता है। जब भी मैं आवेश से मुक्त होती हूँ तो मैं इन सभी चीजों पे ध्यान दे पाती हूँ कि जो मेरा स्वभाव है वो जो मेरा अंदर भाव चल रहा है वो मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं। स्टेप 3 की यदि मैं बात करूँ तो मैं ये पहचान पाती हूँ कि मुझ में जो भाव चल रहा है वह आराम में है या परेशान हूँ। मैं उस समय अंतर विरोध में हूँ या अपने आंतरिक सुख के साथ हूँ। स्टेप 4 की बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि बाहर की परिस्थितियां, बाहर के व्यक्ति मुझे कंट्रोल करते थे। मैं ज्यादातर लोगों के प्रभाव में आ जाती थी, लेकिन अब कह सकती हूँ कि ये जो स्वयं स्वयं से स्वयं का कंट्रोल है वो मुझे अब काफी हद तक मैं ले पाती हूँ। कभी किसी आवेश के या ऐसे किसी क्षणों में ही मैं डिस्टर्ब होती हूँ। फिर अगर मैं स्टेप 5 की बात करूं तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ कि इस क्षण मुझ में जो विचार चल रहा है वह मेरे लिए सुखदायी है या नहीं। मैं ये देख पाती हूँ कि जो भाव मेरे अंदर है वो मैं अपनी समझ से तय करती हूँ या किसी मान्यता के आधार पर तय करती हूँ। अभी तो बहुत शुरुआती तौर पर दिखना शुरू हुआ है, और ये कहना चाहूंगी कि दिन प्रतिदिन इस ये जो स्वयं को देखने का है इस ये बढ़ता जा रहा है। स्टेप 6 की बात यदि मैं करती हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं संबंध के भाव में होती हूँ तो मैं आंतरिक रूप से सुखी होती हूँ, संगीत में होती हूँ, व्यवस्था में होती हूँ। जब मैं ये फील करती हूँ कि जो मेरे मेरे पड़ोस के लोग हैं वो भी मेरे अपने हैं, मैं उनके दुख में इन्वॉल्व हो पाती हूँ, उनकी समस्याओं को अपना समझती हूँ, तब तक तो उनसे एक कनेक्शन, एक जुड़ाव लगता है, सेल्फ के अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। लेकिन कभी भी किसी भी क्षण अगर किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी विरोध दिमाग में आता है तो तुरंत मेरी जो आंतरिक शांति है वो डिस्टर्ब होने लगती है। स्टेप 7 की बात करूं तो मैं ये सुनिश्चित कर पाती हूँ कि इस क्षण मेरे भीतर संबंध का भाव है या सह अस्तित्व का भाव है तो मैं सुखी हूँ। अदरवाइज जैसे ही विरोध का भाव आता है वैसे ही मैं परेशानी में आ जाती हूँ। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि यदि इस तरह का भाव मुझ में लगातार कंटिन्यू रहता है तो मैं हर क्षण सुख में रह पाऊंगी। अगर दीदी इसके बाद में अगर अभ्यास 2 की बात करूं तो अभ्यास 2 में मैं बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ स्वयं को शरीर से अलग करके देख पाती हूँ ज्यादातर समय। और ये समझ में आया कि संवेदनाओं को अर्थ देने वाले हम ही हैं। इसका मैंने 1-2 प्रयोग भी किया कि अगर हम चाहें तो बाहर से होने वाली संवेदनाओं को, उठने वाली हमारे ही शरीर की संवेदनाओं को हम अर्थ ना दें तो उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में गई, मुझे दवाइयों के स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार वॉमिट हो जाती है। मैंने उस दिन स्वयं को ये कहा कि ये सिर्फ एक संवेदना है, इसको अर्थ मैं देती हूँ। तो ऐसा जब मैंने स्वयं को विश्वास दिलाया
फिर मैं आधा घंटा उन्हें डॉक्टर साहब के केबिन में बैठी रही, लेकिन वो स्मेल ने मुझे उतना परेशान नहीं किया। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैं देख पाई हूँ कि बाहर से जो मिलने वाला सुख है वो काफी क्षणिक होता है, प्रभाव से जब हम सुखी होते हैं, मैं जब भी किसी के प्रभाव में सुखी होती हूँ तो वो कुछ ही समय टिकता है। लेकिन जब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अंतर्विरोध से मुक्त हूँ, एक आंतरिक सुख के स्वभाव में रहूँ, वो मुझे ज्यादा प्रसन्न करता है और मैं ज्यादा देर तक उससे शांति के भाव में रहती हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि स्वयं से जब मेरा विरोध नहीं रहता है, जब मैं अंतर्विरोध से मुक्त होती हूँ, वही एक स्वाभाविक सुख है और वो सुख ज्यादा समय चलता है। कभी कभी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अनुकूल संवेदनाओं पे कार्य करने लगती हूँ, लेकिन ज्यादातर प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं संवेदनाओं पे आधारित सुख से पे कार्य ना करके जो हमारा स्वाभाविक सुख है उस पे कार्य करूँ। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको समय सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये है कि दीदी ये मॉर्निंग सेशन को कि जितने भी स्टेप्स एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 के हैं, इसको मैं प्रतिक्षण प्रैक्टिस करने की प्रयास में रहती हूँ। और हमारा कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव या संवेदनाओं को जुटाने के अर्थ में है, तो दीदी ऐसा कहे कि शुरुआत से ही मुझे सुविधाओं से मिलने वाला सुख मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करता था, भाव से मिलने वाले सुख दुख से ही मैं ज्यादा मेरे ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि वो प्रभाव बाहर से ही था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरा जो सुख है वो मेरा स्वभाव बने। अब मेरा ज्यादातर प्रयास इस अर्थ में होता है कि मैं स्वयं के आंतरिक सुख के प्रभाव में रहूं, बाहर से होने वाले प्रभाव को जिसको मैं सुख समझती थी उससे मुक्त हो सकूं। तो मैं कह सकती हूं कि मेरा जो कार्यक्रम है वह अभी मैं इस के प्रयास में कार्यरत हूं कि जो मेरा मैं से मिलने वाला सुख है मैं उस पे उसकी तरफ अग्रसर हूं। हाँ लेकिन ये मैंने देखा है स्वयं में कि अभी तक मेरे ज्यादातर जो सुख जिसको मैं समझती थी या खुशी समझती थी वो मान्यताओं या संवेदनाओं पर आधारित थे, सहज स्वीकृति पर काफी कम मैंने काम किया था। लेकिन ये है कि इस अभ्यास एक अभ्यास दो को करने के बाद मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरा ज्यादातर सुख हो वो आंतरिक सुख हो और सहज स्वीकृति के आधार पर हो, संवेदनाओं से या मान्यताओं से जो जिस मिलने वाले प्रभाव जिसको हम सुख समझते हैं वो काफी क्षणिक होता है। अब अगर मैं कमिटमेंट की बात करूं तो अभी तो मेरा काफी इनिशियल फेज है, लेकिन मुझे जो भी मिलते हैं मेरे कलीग मेरे वर्क प्लेस पे सॉरी उनको मैं यूएचवी के कंटेंट से थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। और मेरा ऐसा प्लान है कि भविष्य में मैं छोटे बच्चों के साथ कार्य करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि छोटे बच्चों में जो हम चेंज कर सकते हैं वो बड़ों में करना उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है उनके ऊपर कोई लेयरिंग नहीं होती है, हमें लेयरिंग उतार के फिर ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो मैं भविष्य में बच्चों के साथ स्कूली बच्चों के साथ इस कंटेंट को शेयर करना चाहूंगी। हालांकि मेरे कॉलेज में भी यूएचवी सेल है, बट मैंने वहां देखा है कि उन बच्चों के साथ ये प्रयोग उतना वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं। और यूएचवी से जुड़ी रहूंगी, रोज 1-2 घंटे मैं मॉर्निंग सेशन को देती हूँ, या इससे रिलेटेड और भी जो ऑडियो वीडियो है इस पे इसको सुन के अपने स्वयं की एक ऐसी स्थिति पाना चाहती हूँ जो कि लगातार आराम की स्थिति बनी रहे, और मैं समाज में अपनी भागीदारी यूएचवी सेल के थ्रू करना चाहती हूँ। जैसा अभी मुझे मौका मिला आगे भी मैं इसको जारी रखना चाहूंगी। जी दीदी, बस इतना सा ही मेरे कहने
कंटेंट था, मुझे इतनी सी शेयरिंग करनी थी। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ओवर माइक देती हूँ, वो बोलेंगे। लीजिए जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम, मेरी आवाज आ रही दीदी? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते भैया, ओवर टू यू भैया। जी जी सभी को नमस्ते। मेरा नाम अखिलेश्वर पांडे है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। आपके जो भी गुरु हैं उनको मेरा नमस्कार और उन गुरु के गुरुओं को नमस्कार। इस प्रकार ज्ञान की समस्त परंपरा को मेरा नमस्कार। मैंने जो अपनी सूचना भेजी थी उसमें जुलाई 2018 से गलती से दे दिया था। मैं इस कंटेंट से जुलाई 2020 में जुड़ा था और उस समय ये ऑनलाइन एफडीपी का प्रोग्राम चल रहा था जिसको कॉलेज की तरफ से मैंडेटरी रूप से कराया जा रहा था, तो हमने भी किया। लेकिन मेरा उसमें थोड़ा सा मन लग रहा था, उसको सुन रहा था मैं, तो मेरा सबसे पहले ध्यान मेरी बेटी ने दिलाया था कि ये अच्छा काम करता है। तो जब बेटी ने ध्यान दिलाया तो मुझे लगा ये कोई अच्छी चीज है, इसको थोड़ा और ठीक से किया जाए। तो थोड़े से कुछ शुरुआती जो है फायदे अपने अंदर भी दिखे, लोगों को भी थोड़े से दिखे, तो फिर ये लगा कि ये ठीक है। तो कंटेंट तो मोटा मोटा मुझे शुरू से ही स्वीकार था, इसके प्रति कोई विरोध नहीं था। अब उसके बाद फिर ये जैसा इन्होंने बताया, हमने शिविर भी किया हापुड़ में, फिर ये मॉर्निंग सेशन किया। तो जो पिछला वाला मॉर्निंग सेशन था वो मुझे बहुत फायदा किया। मॉर्निंग सेशन से फायदा ये रहता है कि हमारा रोज का रोज एक शेड्यूल सा बन जाता है और रोज जो कुछ उठा पटक या जो कुछ भी चीज है उस पर कभी नहीं तो मॉर्निंग सेशन के दौरान या उसके बाद ध्यान जाता ही है। तो मेरे लिए वो बहुत उपयोगी रहा पिछला जो है मॉर्निंग सेशन, तो वो भी किया था मैंने और इधर भी किया था। तो मैंने आज ऐसा मन बनाया है कि इसको मैं इस रूप में रखूं कि पिछले मॉर्निंग सेशन में के बाद ये जो मैंने किया इस मॉर्निंग सेशन में मुझे क्या जो है लाभ हुआ। तो पहले तो व्यवस्था के बारे में जैसा पहले मैंने सोचा था, अब थोड़ा सा उसमें इस प्रकार से सोच रहा हूँ कि जो जैसे मैं हूँ और मेरे चारों तरफ जो है इकाइयां हैं, वो इकाइयां दो प्रकार से हैं, एक जड़ इकाई है और कुछ चेतन इकाइयां हैं। इन सारी इकाइयों का मेरे ऊपर मेरे साथ कोई संबंध है और वो संबंध मेरे अंदर किसी भाव के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अब अगर उस संबंध को मैं समझता हूँ, ठीक से पहचानता हूँ, तो मेरा वो भाव भी ठीक रहता है। अगर मैं उस संबंध को नहीं पहचानता हूँ, कुछ अन्यथा समझता हूँ, तो मेरा भाव भी गड़बड़ होता है। तो जैसा भैया कुमार शंभो भैया और बाकी जगह भी कहना है कि उस संबंध को पहचानना है और उसका निर्वाह करना है, तो कोशिश सही संबंध को जो इस व्यवस्था में मैं हूँ और मेरा इस व्यवस्था में जो भागीदारी है यानी जो संबंध है उसको ठीक से पहचानते हैं तो मेरा भाव भी ठीक होता है। और ये बड़ा मजेदार है। ये मजेदार इस सेंस में है कि अब जब ये समझ में आता है तो अब अपने सुख के लिए बाहर को चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रह नहीं जाती है। अपने अंदर जहां कहीं भी उठा पटक, जहां भी भाव का अभाव हो या जहां कहीं भी भाव बिगड़े, उस जगह पे अगर अपने को हम ठीक से देखते हैं उस इकाई के साथ अपना संबंध, तो वो पकड़ में आ जाता है। कई बार नहीं भी आता है बट ज्यादातर समय आ जाता है। तो जब वो दिख जाता है कि मेरा ये संबंध इस इकाई के साथ सही अर्थों में इस प्रकार से है, तो मेरा भाव भी ठीक होता है। और जैसे ही अपना भाव ठीक होता है मैं तुरंत आराम में आ जाता हूँ। तो एक तो ये समझ में आया और इससे क्या है कि एक बड़ा जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ सा दिखता है। इस प्रकार से दिखता है कि अब अगर कोई परेशानी आती है तो हम उसको इस रूप में देख सकते हैं, है ना, इस रूप में उसको, मतलब हम, मतलब देखो जो घटनाएं हैं वो तो अपने हिसाब से घटती रहेंगी लेकिन उनके प्रति जो हमारा जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स है वो अपने हाथ में है। तो इससे क्या है कि अब एक जो छटपटाहट है कि अब सारा कुछ
पहले छटपटाहट रहती थी ना कि सब कुछ बाहर से है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एक अविश्वास, एक डर सा रहता था कैसे करेंगे। अभी एक टूल से अपने हाथ में दिखता है कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा भी कुछ आएगा, काम तो हमें सिर्फ अपने भाव पे ही करना है, हमारा भाव ठीक होगा तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, अब इसकी प्रैक्टिस में क्या है कि कई बार ठीक से कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि अभी 1.5 महीने पहले मेरे हाथ में और पीठ में कुछ दर्द सा था, तो आजकल क्या है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी फैली हुई है, तो मुझे लगा कहीं मुझे भी ना हो। अब ये भ्रम जो है मुझे परेशान कर गया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। हम लोग का चूंकि वो गवर्नमेंट बियर करती है सारा खर्चा, तो उन्होंने काफी सारे टेस्ट कराए, उसमें से एक टेस्ट होता है TMT, तो वो पॉजिटिव आया, तो उन्होंने बोला अब आपको एंजियोग्राफी करानी है। अब उस दौरान TMT टेस्ट से एंजियोग्राफी के बीच में, CT एंजियोग्राफी के बीच में 3 दिन जो है, उस 3 दिन के दौरान ये सारा कंटेंट, सारा भाव, सारा विचार सब एक तरफ, हमारे लिए तो, मैं और मेरे पूरे परिवार के लिए वो सिर्फ मुद्दा रह गया कि अपना ये हार्ट में क्या हो गया। तो फिलहाल वहां पे जो मेरी जांच वाँच हुई, काफी परेशान रहे हम लोग, परिवार भी परेशान था, और उसमें कुछ निकला नहीं, संभवतः वापस आ गए। फिर जब वापस आ गए तो फिर मैंने विचार किया कि यार ये इतनी, मैं 2-3 साल से इस चीज के पीछे लगा हूँ, और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि मेरा पूरा, मतलब सारा कंटेंट दिमाग से गायब, सारी स्थिरता गायब, सारी जो चीज थी वो सब गायब, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीवन की, जिंदगी की पड़ी। तो एक बार तो घबराहट हुई कि सारा मेहनत बेकार हो गया या इस तरह से, लेकिन फिर ठीक से जब उसको सोचा तो ऐसा लगा कि उस, वो परिस्थिति जो थी है ना, वो मुझे ये भी बता के गई वो घटना कि मुझे थोड़ा सा और अभी तैयारी करने की आवश्यकता है ना। मेरी जो तैयारी थी वो अभी, मतलब वो मुझे पता चला कि मेरी तैयारी कैसी है। तो अब उस समय तो घबराहट थी, उस समय तो परेशान था, लेकिन अब उस घटना को लेके है ना मुझे उतना वो दिक्कत नहीं होती है। तो ये मतलब मैं पता नहीं ठीक से रख पाया कि नहीं, लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है ना कि मतलब ये अब मुझे उससे कोई, उस समय तो थी लेकिन अब ऐसी घबराहट नहीं होती। तो एक जैसे मैकेनिज्म से अपने हाथ में आ गई है, तो बड़ा मतलब एम्पावर्ड सा महसूस करते हैं, बड़ा मजबूत सा अपने आप को महसूस करते हैं, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो ये एक्सरसाइज के बीच में बात है, तो पिछले सेशन के बाद मुझे एक्सरसाइज 2 तो ठीक रहता था, एक्सरसाइज 1 पे मेरा नहीं कंट्रोल था, मतलब एक्सरसाइज 1 मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था और मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था। लेकिन अभी इस सेशन के दौरान मेरा एक्सरसाइज 1 पे भी थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे समझ में आया और मैं कर पाता हूँ। तो अब मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि अब जैसे मेरे पास जब कोई भी काम नहीं होता है, तो मैं आराम से एक्सरसाइज 1 के स्टेप शुरू करता हूँ और मुझे उसमें कोई बोरियत नहीं होती, बड़ा मजा आता है। तो मतलब मुझे मेरे अपने स्वयं के भाव विचार देखना अब अच्छा लगता है। तो जब ये ऐसा है तो मुझे को लग रहा है कि ये, मैं अब ये मेरे को एक्सरसाइज भी ठीक लगने लगी है। तो मतलब नटशेल में कि पिछले मॉर्निंग सेशन में एक्सरसाइज 2 ही मुझे ठीक लगती थी, अभी के एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों ही ठीक लगने लगी है। तो हाँ, लेकिन ये अभी भी ऐसा नहीं है कि भाव और विचार बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिगड़ते हैं, लेकिन उनकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, वो दोनों जो है वो घट रही है, मतलब उस सेंस में है कि खराब भाव और खराब जो विचार है वो, उनकी जो लेंथ है और उनकी जो क्वालिटी है, अब वो ऐसा नहीं होता है। दूसरी, परिवार को लेके मतलब एक बहुत ही सुखद घटना है मेरे लिए कि मेरी पत्नी का भी इसमें जो है इंटरेस्ट आया, और ये मेरे लिए बहुत बहुत उपयोगी रहा और बहुत अच्छा रहा। मेरी पत्नी के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत सारा प्रयास कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है इसकी चीज के लिए, तो ये मेरे लिए काफी सुखद है। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है ना, अपने जैसे मेरी माँ के साथ है ना, और भी परिवार में अन्य लोगों के साथ थोड़ी सी फ्रिक्शन थी इनकी, और अब जो है उसमें आराम है। तो अभी अब पति पत्नी को पता चल जाता है कि कैसा चल रहा है किसके मन में, तो
तो वो काफी आराम है। और मेरे लिए अब एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी पत्नी है, और दोनों में अगर कोई फ्रिक्शन है तो सबसे ज्यादा पीड़ा तो मेरे लिए ही रहती थी, मैं कहाँ जाऊँ। बट अभी क्या है कि अभी वो दोनों ठीक से अपना बातचीत भी कर दिए और दोनों ठीक से, तो सबसे मजे में मैं रहता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपकार है इस कंटेंट का, और मैं उसे ठीक देख पा रहा हूँ। और उनके जो प्रयास हैं मेरी पत्नी के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत मेहनत कर रही हैं इस कंटेंट पे, और कई बार ऐसा भी दिखता है कि उनकी जो चेतना का स्तर है वो मुझसे बेहतर है ना। और इस प्रकार से हम भी हम और अच्छा, दूसरा फायदा ये होता है कि हम लोग जब कुछ गड़बड़ होता है तो एक दूसरे का ध्यान दिला पाते हैं। और उस समय हो सकता है तुरंत आदमी नहीं उसको जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान जा जाता है। जैसे पहले हमारे कभी जब आपस में झगड़े से हो तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं थी कि इसको कैसे रिजॉल्व करें। वो बात बढ़ती 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 वो आगे खराब होती चली जाती थी। अब हमारे पास क्या है कि जैसे कोई थोड़ा सा भी ध्यान दिला देता है तो हमारे पास एक मैकेनिज्म सी दिखती है कि चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो वो उस समय इमिडिएटली, मतलब थोड़ी थोड़ी देर देर में वो सेटल हो जाता है। फिर हम लोग क्या है कि वो अपनी गलती देखती है, मैं अपनी गलती देखता हूँ, और फिर हम दोनों फटाफट सॉरी बोल के, और वो हमारा मन हल्का हो जाता है, हम आगे चीजों पे काम पे लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है। तो हमारा तो मतलब परिवार में मेरे लिए तो इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मेरी पत्नी का भी इसमें वो हो गया, इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात ये है भैया कि अब रही मेरी भागीदारी का प्रश्न, तो मैंने जो यूएचबी सेशंस हैं उनके बीच क्वेश्चन आंसर जो है उनका डेटा जो तैयार होता है उसमें कुछ दिन पार्टिसिपेट किया, लेकिन पता नहीं समहाउ वो मेरे को अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो भागीदारी है वो अभी उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रही है, और मेरा अभी भी सारा फोकस जो है अपने ही ऊपर केंद्रित है, अपने भाव विचारों पे ही केंद्रित है रह रहा है। कुछ परिवर्तन मैं अपने अंदर करना चाहता हूँ, वो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी भी थोड़ी सी पीड़ा सी रहती है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अभी एकदम से मेरे को ध्यान में आई कि एक बार कुमार शंभु भैया से मैंने प्रश्न किया था कि विषम का तो दबाव होता है, सम का भी क्या दबाव होता है? तो उन्होंने कहा हाँ होता है। तो वो बात मेरे को समझ में नहीं आई थी, इसी सेशन में पूछा था। लेकिन अब भैया थोड़ा सा ऐसा दिखना शुरू हुआ है कि जैसे पहले मैं, मेरे मन में अपने को पता नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ किसी से इस कंटेंट को लेके ही थोड़ी सी प्रशंसा जो है मिल जाए, क्योंकि ये बात बहुत पावरफुल है, किसी से कहूँ और वो थोड़ा सा प्रभावित होके कह दे वाह भाई वाह ऐसे करके। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, अब ऐसा नहीं लगता कि कोई कहे। अब अगर कोई ज्यादा मतलब ऐसे तारीफ करता है तो वो भी बहुत मतलब थोड़ी सी आ जाता है कि हाँ आप नहीं करे ये आदमी तो ठीक है। तो वो थोड़ा सा सम का जो दबाव जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो भी थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। हालांकि अभी बहुत सारा काम होना है, लेकिन मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हाँ उसका भी दबाव होता है, ये भी चीजें दिखने लगी। तो ये है। अब रही बात जो है वो भागीदारी के क्रम में, तो उसके लिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मेरे इंटरेस्ट का या कुछ ऐसा कोई चीज मिले तो उसको लेके मैं करूँ। हाँ लेकिन मेरा मन ऐसा कॉलेज के प्रति है, मेरा मेरे कॉलेज में इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, वो फिर से बढ़ता नहीं है। और तो भैया से भी एक बार बात करी थी तो उन्होंने कहा अपने अड़ोस पड़ोस में शुरू करो, वहां भी शुरू किया तो वहां भी बढ़ता नहीं है। शायद मेरे आचरण में भी वो बात परिवार तक ही सीमित है, आगे बात बढ़ी नहीं है, या पहले का मेरे जो मेरा जो आचरण रहा है उससे लोगों को भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो बट अपने अंदर का जो भाव विचार है उसमें बड़ा मजा आ रहा है। तो इतना ही है मेरी तरफ से, अगर अब कुछ हो आपको कुछ कहना है तो। हम लोगों की तरफ से इतना ही, आप सबका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद भैया, कुमार भैया आप शेयरिंग के बारे में बात रखेंगे। और बढ़िया, पुनः सभी को नमस्ते। बढ़िया शेयरिंग रही अनुपमा दीदी की और अखिलेश्वर भैया की। आप लोगों की यात्रा अभी हाल में ही शुरू हुई है, परंतु तो आप दोनों लोग काफी मन लगा रहे हैं, साथ साथ गति कर रहे हैं। और सारे जिले से जुड़े मुद्दों को लेकर आपने शेयरिंग की, जैसे
दीदी ने बताया कि वो हॉस्पिटल में जाती थी और गंध से परेशान होती थी, बट उन्होंने ध्यान दिया इस बात पे कि अर्थ तो मैं ही दे रही हूँ, फिर उनकी परेशानी कम हो गई। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, अखिलेश्वर भैया ने उदाहरण दिए, ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं कि हम अगर अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होते हैं और इस बात को हम देख पाते हैं कि अल्टीमेटली कोई बाहर से संवेदना आ रही है, उसको अर्थ तो मैं ही देता हूँ, इसलिए मैं ही अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, तो बहुत सारी स्थितियों से निकल पाएंगे जहाँ हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप दोनों लोग साथ साथ अभ्यास के बिंदुओं पे ठीक से ध्यान दे रहे हैं। अखिलेश्वर भैया से ऐसे भी कभी वन टू वन भी बातचीत हुई है मोबाइल पे, और आप कई सारी योजनाएं भी बनाते रहते हैं, तो बहुत अच्छी संभावना है। एक दो चीजें बस मैं ध्यान में ला दूं कि कुछ चीजें ऐसे बोलने के अभ्यास में होती हैं कि दिमाग में आया है ना ये बात, तो बेसिकली मुझ में आया कहें तो ज्यादा ठीक है, दिमाग में आया की वजह। तो ये जो मैं और शरीर का अंतर है, ये इतना हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उतना स्वयं के परिमार्जन में हमारे लिए सहायक हुआ। और मुझे लगता है कि भागीदारी के स्तर पे थोड़ी सी और बात अगर आप शेयर करते, और तुम्हारी दीदी और अखिलेश्वर भैया, तो क्या आप लोग साथ साथ हैं, भरतपुर में हैं और वहाँ पे अभी वर्कशॉप चल रहे हैं, कई सारे नए कार्यक्रम की संभावना है, तो अभी किस तरह की भागीदारी आप कर पा रहे हैं और किस तरह की भागीदारी आगे करने का विचार है, इस पर भी अगर आप दोनों थोड़ी बात रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी भैया, भैया ये USV2 करने के बाद ही ये था कि कुछ भागीदारी होना चाहिए, और आपने भी कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि वो जो भागीदारी हमारी है वो हमारी स्वयं की गति के लिए बेहतर है, क्योंकि तो दो स्तर पे काम करना है, स्वयं पे और बाहर भी, दोनों छोर पे काम करना है। तो भागीदारी के स्तर पे हमारा अभी जो है वो बहुत ही कम है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अनुपमा है, ये तो कुछ फोन करके जो पुराने साथी हैं उनको मोटिवेट करने का काम करती है, थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चंस जो सेशन के टाइम पे जो क्वेश्चंस हैं उनका डेटाबेस में जो एंट्री है उसमें कभी कभी मैं रहता हूँ, लेकिन वो मुझे पर्याप्त नहीं लगता है। ईमानदारी से मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैं अपना मतलब मैं क्या काम करूँ, ये जो मुझे मुझे भी ठीक लगे वैसा मैं अभी कुछ निर्णय अपने आप में ले नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरा जो नेचर है, अगर मुझे कोई बात जैसे ठीक से जज गई, जैसे ये कंटेंट जज गया, तो अब ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। ऐसे ही भागीदारी के क्रम में मुझे क्या भागीदारी करनी अभी मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। कॉलेज के स्तर पे मैंने प्रयास किया कि ये बात कॉलेज में और लोगों को, चूंकि ये कंटेंट सबने किया हुआ है, USV1 तो मेरे कॉलेज के सभी टीचर्स ने किया हुआ है, तो मैंने वहां काफी प्रयास किया कि ये चीज फैले, हमारा एक बढ़िया सा एक ग्रुप सा बन जाए, और नहीं रोज तो वीकली हमारी कोई बातचीत हो और उसके क्रम में ये बात आगे बढ़े। तो वहां पे हो नहीं पाया, आपसे मैंने बात करी थी तो आपने सजेस्ट किया था कि आप अपने नेबरहुड में ट्राई करो, जहां अनुकूलता मिले वहां करो। नेबरहुड में एक दो लोगों से मैंने बात करी, लेकिन अभी पूरी तरह से वहां भी हो नहीं पाया है। तो कुल मिला के जो भागीदारी हमारी है वो बस वो अभी बहुत हो नहीं पाई रही है, मतलब ईमानदारी से कहें तो बहुत ही जरा जरा सी है, बहुत थोड़ी सी है, और जी जी वो उसको इस तरफ जो है और ध्यान देना है, ऐसा हमें लगता है। बढ़िया बढ़िया भैया, मुझे लगता है इसलिए अलग से कभी बात करेंगे कि आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। अभी आपका कितना ये जॉब में और कितना समय बचा हुआ है टीचिंग के लिए? अभी और कितना समय बचा हुआ आपका मैं आपका प्रश्न समझा नहीं भैया, टीचिंग के लिए, किस और चीज कितना की समय बचा हुआ रिटायरिंग आपका? अभी भैया? टाइम है अभी, आप मेरा मेरी अभी एज 42 है, तो अभी अच्छा, रिटायरमेंट के लिए काफी बढ़िया समय बढ़िया, है। फिर तो आप दौड़ दौड़ के भागीदारी कर सकते हैं ना। बढ़िया जी। अनुपमा दीदी इस बारे में कुछ कहना वो चाहेंगी? थोड़ा सिग्नल ऐसा आपका तो बंद नहीं हो गया होगा है। कि एंजियोग्राफी की बात करी तो ऐसा लगा हो कि उम्र हो गई है काफी। नहीं, बस मैंने ऐसे ही पूछा, जनरली मैं पूछ लेता हूँ कि और कितना समय है जॉब में। भैया जी, अनुपमा दीदी को क्या अभी संभावना लग रही है भागीदारी की? वाला जो ये काम है ये सकती हूँ, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो मैं कर सकती हूँ, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ अच्छा, जी भैया। डॉक्यूमेंटेशन में? जी जी ठीक भैया है, इसे हम लोग बात कर लेंगे। जी बात कर लेंगे इसकी, जी भैया ठीक है, जी बढ़िया। भैया
आप दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना बधाई। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद कुमार भैया, धन्यवाद अखिलेश्वर भैया, अनुपमा दीदी।